आज के वीडियो में बात करते हैं भारत के भूगोल के बारे में। और कल वाली वीडियो हमने बताया था कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बताया था कि भारत की जो स्थिति कहाँ से कहाँ तक और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक ले है, और जो भारत की जो जनसंख्या के आधार पर ये भी बताया था कि भारत क्षेत्रफल कितना है। तो कल वाली हमने वीडियो में चर्चा कर ली है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज़रूर जाकर देख लें, क्योंकि हमने जो भूगोल का जो सीरीज चल रहा है आपको अगले एग्जामों के लिए अर्थात पुलिस, SSC, उसके बाद पेट, अन्य एग्जामों के लिए आपको जो भूगोल का जो सीरीज चल रहा है आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो हमने जितने भी बता रहे हैं क्वेश्चन वो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी प्रकार से तो आज का टॉपिक दो है अर्थात भारत के पर्वत के बारे में। भारत में पर्वत जो कहाँ कहाँ स्थित है, कौन पर्वत का किस भूमिका द्वारा निर्भर कर रहा है, उनका उद्देश्य क्या है, तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इसी प्रकार से जो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराष्ट्र की R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। तो इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे दिया है कि नंदा देवी चोटी, क्या दिया है कि नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है। अब बात करते हैं नंदा देवी चोटी हिमालय किस भाग में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय में। कहाँ पे? कुमायूं हिमालय में नंदा देवी चोटी स्थित है। तो इसी प्रकार से नंदा देवी सबसे बड़ी मुद्दा है कि नंदा देवी कहाँ स्थित है। नंदा देवी चोटी की बात करेंगे तो ये नंदा देवी चोटी की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित? उत्तराखंड में स्थित। कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में यह चोटी स्थित है। तो बात करते हैं कुमायूं हिमालय क्या है। तो वो एक थोड़े से आप थोड़ा लेक्चर है, आप थोड़ा सुन लीजिएगा। बात करेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन की बात किया जाए तो सिडनी के बुरात नामक व्यक्ति थे, इन्होंने कहा था कि हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया गया। इन्होंने क्या किया कि जो हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया था, कौन थे? सिडनी बुरात थे, जो हिमालय का नदियों के आधार पर चार भागों में बांटा गया था। पहला था क्या था? पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इस चार भागों में उन्होंने विभाजित किया था। तो हम अगर कभी डिस्कस करेंगे, अगर विस्तार रूप से बात करेंगे भूगोल के बारे में तो हम वहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो आज मुख्य रूप से है 1 नया क्वेश्चन चलेगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि उत्तरांचल के सबसे ऊँचे पर्वत शिखर क्या नाम है, ठीक है ना। उत्तरांचल अब वर्तमान में उत्तराखंड नाम पड़ गया, तो उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है नंदा देवी। कौन सा नाम है? नंदा देवी है, वर्तमान में इसका नाम उत्तराखंड रखा गया है। तो इसी प्रकार से तो अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है कि शिवालिक, अब बात कर देंगे शिवालिक शिरडी, क्या दिया है कि शिवालिक शिरडी का निर्माण कब हुआ था। शिवालिक शिरडी का निर्माण की बात करेंगे तो यह सीनोजोइक काल में कब हुआ था, सीनोजोइक काल में शिवालिक शिरडी का निर्माण हुआ था। तो बात करते हैं शिरडी, तो हम जो शिरडी की बात करेंगे तो भारत के जो समीप में मुख्य रूप से चार चार हिमालय में विभाजित किया था। पहला पहला क्या था कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, अर्थात उसे नाम से शिवालिक श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूछा गया कि जो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, यह सीनोजोई काल में हुआ था। जो यह भारत के सबसे बात करेंगे उत्तराखंड, ये बात करें उत्तराखंड हो गया। मुख्य रूप से जो शिवालिक जो श्रेणी है ये अंडमान निकोबार द्वीप का ही क्या करता है, इसी श्रेणी से अंडमान निकोबार द्वीप का ही उत्पन्न हुआ है। तो अब बात करते हैं भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो यह है अरावली श्रेणी। कौन है? अरावली श्रेणी है, जो यह राजस्थान में स्थित है। तो अब बात करते हैं भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन है, तो यह भी कौन है? अरावली श्रेणी। कौन है? अरावली श्रेणी है। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो यह गुरु शिखर है। देखिए ये भी एग्जामों में पूछा जाता है, क्या नाम है? गुरु शिखर है। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट, क्या दिया है? पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो यह एक भ्रंश कगार है। क्या? एक भ्रंश कगार है। तो अब बात करते हैं किस वर्णमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, क्या दिया? किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, जो यह महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में क्या करता है, तटीय क्षेत्रों को ही नाम से जाना जाता है। दिया है क्वेश्चन की पश्चिमी घाट के, पश्चिमी घाट के सबसे
ऊंची चोटी का नाम क्या है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी के नाम की बात करेंगे तो अनाईमुद्री है। क्या नाम है उसका? अनाईमुद्री है, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो अब पूर्वी घाट की बात करेंगे, पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर का नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? महेंद्रगिरी है। अब बात करते हैं पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के सम्मिलित स्थल कौन सी पहाड़ी है। अब बात करेंगे तो जो पूर्वी घाट हो गया और पश्चिमी घाट, देखिए मान लीजिए कि ये पूर्वी घाट हो गया, इधर से पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है ना। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की श्रेणी में सम्मिलित जो यहाँ पे सम्मिलित श्रेणी कौन सी पहाड़ी है, तो वो उसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। क्या नाम है उसका? नीलगिरी पहाड़ी। यहाँ पे क्या है? नीलगिरी पहाड़ी को सम्मिलित स्थल के नाम से कौन पहाड़ी होगी? नीलगिरी पहाड़ी है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है कि भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? तो कार्डमम पहाड़ी। कौन है? कार्डमम पहाड़ी है। और कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डमम पहाड़ी जो है केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह केरल में स्थित है, जो इलायची के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। अब बात करते हैं छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम की बात करेंगे तो पारस नाम है। क्या नाम है? पारसनाथ नाम है। जो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है पारसनाथ है। इसी प्रकार से बात करेंगे तो गिरनार पहाड़ी की बात करेंगे तो गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में से सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है? सैंडल पीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सैंडल पीक है। क्या नाम है? सैंडल पीक है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पहाड़ी स्थित है? बात करते हैं नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो वह सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। कौन है? सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। इस प्रकार से गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। जो गुरु शिखर की बात करेंगे तो अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। इसी प्रकार से सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? सेवराय पहाड़ी की बात करेंगे यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो अब बात करते हैं छोटा नागपुर पठार किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का है? तो यह हो जाएगा एक संप्रदाय भूमि। क्या एक संप्राय भूमि के नाम है? क्या है? संप्राय भूमि है, अर्थात बोल सकते हैं कि यहाँ पे अधिक से ज़्यादा खनिज क्या होता है? प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है कि पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो यह छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सह्याद्री के नाम से। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 1848 मीटर है। कितना है? 1848 मीटर है। अब बात करते हैं कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पालनी पहाड़ी पर। कहाँ स्थित है? पालनी पहाड़ी पर स्थित है। अब बात करते हैं सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला की बात करेंगे तो यह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। तो बात करते हैं सबरीमाला त्यौहार मनाया जाता है, तो सबरीमाला त्यौहार की बात करेंगे तो वह असम राज्य में मनाया जाता है। अब बात करते हैं भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो यह हिमालय। क्या है? वह हिमालय स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है? भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो यह अरावली पर्वत है। कौन है? यह अरावली पर्वत स्थित है, जो राजस्थान में स्थित है। और अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर है। अब बात करते हैं कंचनजंगा हो गया, रूनंडू हो गया और गंगोत्री हो गया, केदारनाथ
में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? आंसर जाएगा गंगोत्री हो जाएगा। क्या नाम उसका आंसर हो जाएगा? गंगोत्री। अब बात करते हैं चौराबाड़ी, क्या यह चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है? तो यह केदारनाथ मंदिर के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ के मंदिर के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसी प्रकार से शिवालिक शैवाल, शिवालिक सॉरी शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है। तो यह गिरिपत स्थित कहाँ पे से? गिरिपत स्थिति का है। किसके कारण है? गिरिपद स्थिति का है। हिमालय का पर्वत प्रायद्वीप प्रदेश है। तो यह शिवान कौन किसका है? शिवालिक का है। हिमालय का पर्वत प्रायद्वीप प्रदेश है, तो यह शिवालिक का है। इस प्रकार से क्या दे दिया है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है, तो यह सतपुड़ा स्थित है। क्या स्थित है? वह सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। अब भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड खिसका हुआ है, ठीक है ना। यह उत्तर का कहाँ का? यह उत्तर का खिसका हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे हम कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। किस नाम से जानते हैं? गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुई है, तो यह पैलियोजोइक कहाँ पे? पैलियोजोइक महाकल्प से हुए किस का पर्वत निर्मित हुई है? तब पैलियोजोइक महाकल्प से निर्मित हुई है, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ऐसे हो जाएगा तराई क्षेत्र में। कहाँ पे? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भाग पर दरारों तथा भ्रंशों का निर्माण किस युग में हुआ है? तो यह गोंडवाना युग में हुआ है। किस युग में हुआ है? गोंडवाना युग में हुआ है। अब बात करते हैं खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम है, तो यह हो जाएगा धारवाड़। कौन हो जाएगा? धारवाड़। क्या हो जाएगा? धारवाड़। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा? ऐसे बात करते हैं तो कुछ हम आपको थोड़ा दिखाना चाहते हैं, तो ये देखिएगा कि तो आज हमारा कितना है? 200 सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो आप लोगों को मतलब इतना धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइब को बढ़ाने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा और बढ़ाते रहिएगा। इस प्रकार से हम पर डे मैथ रीजनिंग उसके बाद जीके एसएटी जीके के रूप में और भूगोल के मुख्य रूप से इसी प्रकार से एसएटी जो पे क्या एसएटी जी जीके होंगे पर डे क्या करेंगे प्रोवाइड करते रहेंगे। और कुछ समय बाद हम बात करते हैं, लगभग एक दो महीने बाद हम खुद अपने व्हाइट बोर्ड से खुद हम लाइव पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और एक थोड़ी सी और है कि आप हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे बढ़ाते रहिएगा। तो इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिएगा, परिवार बढ़ाते रहिएगा। तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।